नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी एग्जाम वाला में। आज की इस वीडियो में हम DSSB वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/20 है। इसकी शॉर्ट डिटेल यहाँ पर आपको बता देते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स में यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू होंगी 7/1/2020 से। लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की 6/2020। फीस है, एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए ₹100 है, SC ST और PH कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए 0 फीस है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 0 फीस है। पेमेंट द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ओनली, केवल इनके द्वारा ही आप अपनी एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स, टोटल वैकेंसी हैं 3536 यानी 536 टोटल वैकेंसियां इस एडवर्टाइजमेंट में दी गई हैं। पोस्ट एलिजिबिलिटी और कितनी पोस्ट हैं, स्टोर कीपर की एक पोस्ट है, इसके लिए एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम और डिप्लोमा कैंडिडेट रिक्वायर्ड 2 ईयर एक्सपीरियंस। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, इसमें टोटल 9 वैकेंसियां हैं और मैक्सिमम एज है 30 साल। बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या बॉटनी होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसका टोटल वैकेंसी है 46 और मैक्सिमम एज इसमें रखी गई है 30 साल। BE या BTEC डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। वेटनरी लाइव स्टॉक, इसके लिए 78 वैकेंसियां हैं और एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा हो इन वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंस एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। इन्वेस्टिगेटर की टोटल पोस्ट हैं 15, मैक्सिमम एज है 27 साल। हाई स्कूल क्लास यानी 10वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें जरूरी है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश, इसकी 38 पोस्ट हैं कुल और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 18 से 35 साल है। 10वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट। इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए स्पीड 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग 40 वर्ड की होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर हिंदी की कुल टोटल पोस्ट हैं 6, इसका भी एज क्राइटेरिया 18 से 35 साल है, इसमें भी 10वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट और हिंदी स्टेनोग्राफर स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग पर हिंदी की स्पीड 30 मिनट पर सेकंड की होनी चाहिए, पर मिनट की होनी चाहिए। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, इसकी कुल पोस्ट हैं 23, इसके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। बैचलर डिग्री पास होना चाहिए कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड में होना चाहिए। फार्मासिस्ट की टोटल वैकेंसी है 15, इसके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 35 साल है। बी फार्मा, एम फार्मा या डिप्लोमा इन फार्मेसी में कैंडिडेट के पास एज ए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस की डिटेल नोटिफिकेशन में आप इसमें देख सकते हैं। लीगल असिस्टेंट की कुल पोस्ट हैं 4, 18 से 35 साल एज क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, LLB या BA LLB विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए बार काउंसलिंग में। मैनेजर पब्लिक रिलेशंस, इसकी कुल पोस्ट है 1 और इसके लिए मैक्सिमम एज है 35 साल। कैंडिडेट MBA या MA आर्ट्स के साथ होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के साथ, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। टेलीफोन जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर की कुल पोस्ट है 10, 18 से 35 साल एज होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट, साथ ही ITI या NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियो मैकेनिक्स में। जूनियर क्लर्क, इसकी कुल वैकेंसी है 254, एज क्राइटेरिया 18 से 35 साल, 10वीं 12वीं पास किया हो कैंडिडेट ने, साथ ही इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड हो या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। ड्राफ्ट्समैन, इसकी कुल वैकेंसी 2 है, 18 से 35 साल एज क्राइटेरिया, 10वीं पास स्कूल सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट्स हो ड्राफ्ट्समैन में, वो भी सिविल लाइंस के लिए। हिंदी ट्रांसलेटर कम असिस्टेंट, इसकी कुल पोस्ट है 2, 18 से
जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर, इसकी 10 पोस्ट हैं। एज क्राइटेरिया 18 से 35 साल। कैंडिडेट ने 10वीं पास किया हो, साथ ही ITI या NCVT सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। रेडियो मैकेनिक्स में जूनियर क्लर्क, इसकी कुल 254 पोस्ट हैं। 18 से 35 साल एज क्राइटेरिया। कैंडिडेट ने 10वीं यानी 10+2 इंटरमीडिएट की क्लास पास की हो, साथ ही इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट या हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर स्पीड होनी चाहिए। ड्राफ्ट्समैन की कुल पोस्ट हैं 2। 18 से 35 साल एज होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो। सिविल में ड्राफ्ट्समैनशिप का। हिंदी ट्रांसलेटर कम असिस्टेंट, इसकी 2 पोस्ट हैं। एज क्राइटेरिया 18 से 35 साल। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी सब्जेक्ट में, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेबर इंस्पेक्टर यानी लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर, 4 पोस्ट हैं। 18 से 35 साल एज होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस में या सोशियोलॉजी। अकाउंटेंट की कुल पोस्ट हैं 18, इसके लिए मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए, डिग्री है बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या BCom होना चाहिए 5 साल एक्सपीरियंस के साथ। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की कुल वैकेंसी 10 हैं। एज क्राइटेरिया 18-27 साल। BSc होनी चाहिए बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट के साथ में, साथ या मास्टर डिग्री साइंस में होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। हाउ टू फिल फॉर्म, फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, इसके लिए हम आपको स्टेप्स बताए देते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा DSSB यानी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप पोस्ट सी अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 0/2020। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट ओनली बिटवीन 7 January 2020 टू 6 February 2020। कैंडिडेट कीन रेड कैन रीड नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई दीज पोस्ट। काइंडली चेक एंड कॉलेज द ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एडर डिटेल बेसिक डिटेल। काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स लाइक फोटो साइन ID प्रूफ एक्सेट्रा, यानी कितने KB या MB में फोटो स्कैन करने की ज़रूरत है, वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ही ये सारी चीज़ें आपको रेडी कर लेनी चाहिए। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम्स यू फिल्ड केयरफुली। इफ कैंडिडेट रिक्वायर टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट इट। इफ यू हैव नॉट सबमिट रिक्वायर्ड फी योर एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट कम्प्लीटेड। टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर हम इन वैकेंसियों से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर आपको ये लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही डाउनलोड नोटिफिकेशन, आपको अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ये उसका लिंक दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी DSSB की जो एक्चुअल वेबसाइट है उसकी वेबसाइट का ये लिंक दिया गया है। यहाँ पर आपको अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे डिटेल में आपको जानकारी मिल पाएगी। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही आप वीडियो देखते हैं और डिस्क्रिप्शन को जब देखेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इन वेबसाइट्स पर पहुंच जाएंगे। डाउनलोड नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे डायरेक्टली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने मित्रों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारे आगामी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।